खबर लेने मुल्लापुर ताखा तो स्थानक कस्बे अंदर विकास कार्य जंगी पद्धर से चल रहे हैं। आने वाले समय दौरान विकास पक्षों कोई कसर बाकी नहीं रहन दिती जाएगी। उक्त शब्द कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के सियासी सलाहकार हलका दाखा इंचार्ज कैप्टन संदीप संधू ने अज वार्ड नंबर 8 तो कांग्रेस के उम्मीदवार जबर जंग सिंह सेखो नाम का ऐलान उपरंत पत्रकारों नाल सांझी कीते ने और कैप्टन संधू नाल कांग्रेस जिला प्रधान किरण जीत सिंह गालिब पैडा वाइस चेयरमैन डॉक्टर करण वड़िंग नगर कौंसल प्रधान तेलू राम बंसल सीनियर मीत प्रधान करणवीर सिंह सेखो मीत प्रधान बीबी तरसेम कौर मान अते महिला कांग्रेस हलका दाखा दे प्रधान सरबजीत कौर नाहर अते जिला सैकटरी जसवीर सिंह सगू वालों मुलापुर विखे शमूलियत की गई। इस संबंध में की गलबात की गई है आओ सुनते हैं। सब तो पहला फतेह अर्ज करदा जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज जी कांग्रेस पार्टी वालों हाईकमांड वालों सरदार संदीप सिंह संधू जी साढ़े जिला प्रधान विद्यार्थी जी सोनी गालम जी वालों मैनू नॉमीनेट किया गया जी वार्ड नंबर 8 तो इलैक्शन संबंधी सी अज की मीटिंग जी तो मैं उम्मीदवार हाँ जी वार्ड नंबर 8 तो जो मैं पार्टी ने यह जिम्मेवारी सौंपी है मैं आपकी पूरी तनदेही तो मेहनत के नाल निभावांगा तो उम्मीद करता हाँ कि वार्ड के लोग जो मेरे साथ पहला तो ही दे रहे हैं तो बड़ा ही मैं प्यार दे रहे हैं तो मेरा पूरा साथ दे सहयोग देंगे तो जित हासिल करा जी तो जो कम होए ने वो तो उपरंत जोड़े रेंदे ने 70-75% साढ़े वार्ड के कम कंप्लीट ने जी तो जोड़े 20-25% रेंदे ने वो असी छेती तो छेती पूरी कर करा जी साढ़े तेलू राम प्रधान जी के सहयोग के नाल साढ़े मक्कड़ साहब ने लाली जी ने करणवीर है साढ़े सारे जिनी कौंसल है जी सारे का सहयोग है ठीक है जी तो इस उम्मीद करते हैं कि वार्ड के लोग भी साडा साथ देंगे तो प्रेस का भी मैं बहुत धन्यवाद करना जी जिन्होंने अज तुसी मैनू पहली बार कैमरे के अगे मौका दिता बोलन का जी तो उम्मीद करदा कि भी मैं आपकी जो जिम्मेवारी है वह चंगी तरह निभावा जी। धन्यवाद। देखो अज तुहानू पता ही हैगा मैं पहला भी दस के हटा कि छोटा मेरा तो भतीजा की थान लगता है ये जबर पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने और जाखड़ साहब ने और साडे जिहड़े इलैक्शन कमेटी के चेयरमैन है सरदार लाल सिंह जी उन्होंने सर्वसम्मति नाल यह हदायत दी है कि इतों जी अवार्ड की इलैक्शन जी इन्हों पिता जी के सुरगवास तो बाद खाली हुआ से अवार्ड इसे परिवार को दी जाए और परिवार का फैसला सी कि इलैक्शन जबर लड़ूगा यूथ हैगा मेहनत करते रहे आपके फादर साहब के नाल जदों के वो बने है मैं देखा सी हर वेले फादर साहब के नाल होंगे सो जोड़े साढ़े प्रधान है कमेटी के साडे डिस्ट्रिक्ट प्रधान सारे वालों एक ही नामजद किया गया सर जी विरोधी पार्टियों वालों पहले ही प्रचार शुरू कर दिता गया थोड़े सुनने भी आया होगा कि इलैक्शन पारदर्शी नहीं होनी ये बारे की कहो पता नहीं जी पार तुसी देखो तीसरी आखो जिथे कि पारदर्शिता ना ही तुसी मैनू फड़ लियो आ प्रधान जी खड़े आ जिहड़े साडे वालों नामजद होए आ कैंडीडेट ये खड़े आ साडी यही रहूगी कि जिन्हें भी इलैक्शन लड़ना बराबर आके लड़न किसी किस्म का भी कोई यहोजी चीज़ नहीं होगी जितों ये महसूस हो कि असी किसी किस्म का कोई यहोजा तरीका अपना रहे हैं जिहड़ा कि डेमोक्रेटिकली सही नहीं है। लोकतंत्र है सबनों इलैक्शन लड़न का हुक्म है जिहड़ा भी लड़ूगा उन्होंने जी आया बाकी जिहड़ा अच्छा कैंडीडेट होगा जिन्हें मेहनत की होगी जिन्हों उस वार्ड के लोग चाहे जित होगी और मैं यकीन है कह सकता कि जित ही होगी। मौजूदा हालातों पर नज़र मारीे तो इंसान तरह तरह बीमारियों जूझ रहा है। इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाने तरह तरह के उपराले भी करता है और जिमें तो दुखों को मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया तो हूँ एक होर प्रोडक्ट थानू दुखों तो नजात दवाने हाज़र है फीर लीफ पावर जिस तरह तरह कमजोरियां दूर किया जा सकता है जिमें मरदाना कमजोरी अंतरियां की सोजिश पेशाब जलन दिल की कमजोरी खून की कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है और जिस दे विच कई तरह दियां आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है वह नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने वो हुण
ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784484087।